हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन करी मसाला। तो चलिए देखते हैं चिकन करी मसाला कैसे बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे चिकन ली है। चिकन को हमने धो कर अच्छी तरह से हल्दी और ज़ीरा पाउडर डाल के 10 मिनट के लिए हमने ढक कर रख दिया था। अभी इसको हमको फ्राई करना है। अभी इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए अभी हमने कढ़ाई पे तेल डाला है। तेल गरम हो चुका है और इस पे हम चिकन डालेंगे। ये देखिए चिकन इस तरह से फ्राई करना है आप लोगों को। इस तरह के फ्राई होने के बाद आपको इसको हमने निकाल देना है। ये देखिए सारा चिकन हमने फ्राई कर ली है। अभी तेल डालेंगे। तेल आपको ना जो चिकन का तेल है ना, चिकन फ्राई करने का वो तेल डालना है। इस तेल में हमने तेज़पत्ता डाला है और दो दालचीनी के टुकड़े डालेंगे और दो इलायची डालेंगे। हमने दो इलायची डालेंगे। अब भी इसी तरह से बना के देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही टेस्टी है खाने में। ज़रूर एक बार ट्राई करना। अभी हमने प्याज डालना है। हमने प्याज डाला है। प्याज को ना 4-5 प्याज को कट के इसको हम ग्राइंडर में पीस के डाला है। और अब इसमें नमक ऐड करेंगे और इसमें ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच और हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। आप लाल मिर्च पाउडर अपने आप तीखा खाते हैं तो तीखा डाल सकते हैं। हम ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं इसलिए। इसको हम फ्राई करेंगे अभी। और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डालेंगे और इसमें हम 1 टमाटर काट के डालेंगे। आप भी फ्रेंड्स इस तरह बना के देखिए। आप इसमें हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा। पानी सूख जाने के बाद इसमें हम चिकन को ऐड करेंगे जो फ्राई करके रखा था ना, इसको चिकन को हमने ऐड कर दिया है। और इसको हम अभी चलाएंगे। अभी इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको हमने और भी पानी ऐड करेंगे। आप जितना चाहे पानी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं अपने हिसाब से 1-3 कप पानी ऐड किया है बड़े कप से। और इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। ढक कर रख दिया था हमने 5 मिनट के 10 मिनट के लिए। अभी इसको हमने, ये देखिए हमारा चिकन हो चुका है। ये देखिए हमारा चिकन अभी हो चुका है। इसको हमने 1 कटोरी में लेकर आपको मैं दिखाती हूँ। फ्रेंड्स खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप राइस के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं आप। इतना टेस्टी है मैं आपको बता भी नहीं सकती। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए फ्रेंड्स।
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई करके देखिए मेरे रेसिपी को आप। तो इस चिकन करी मसाला को आप भी करिए और इन्जॉय कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय फ्रेंड्स।